युद्ध का ऊंट किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं जानता। कुछ देर पहले मैंने ही आपसे कहा था, युद्ध की बिसात जितनी सीधी दिखाई देती है दरअसल उतनी सीधी है नहीं। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध में अगर इसराइल की ही बात करें तो पश्चिमी एशिया के सभी मुस्लिम देश इसराइल को अपना दुश्मन नंबर एक मानते हैं। इसराइल इन देशों के लिए विलन जैसा है, लेकिन आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध में इसराइल मुस्लिम देश अजरबैजान का समर्थन कर रहा है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए छुपा रुस्तम, द डार्क हॉर्स। सितंबर 2020, नागोर्नो कराबाख। कराबाख की पहाड़ियों पर आर्मेनियाई सेना के जवान और टैंक गश्ती पर थे। इस तारीख तक दोनों देशों की सेनाओं के बीच छिटपुट जमीनी झड़प हो चुकी थी, लेकिन अब बारी आसमान से प्रहार की। इधर 28 सितंबर की दोपहर आर्मेनियाई सेना के टैंक और जवान पहाड़ों का चप्पा चप्पा छान रहे थे, उधर आसमान से दुश्मन उनकी निगहबानी कर रहा था। आसमानी दुश्मन मौके की ताक में था और जैसे ही टारगेट रेंज में आया वैसे ही सब कुछ खाक हो गया। आर्मेनियाई सेना को आसमान से मौत बांटने वाला दुश्मन था अजरबैजान और उसका डेडली ड्रोन। ये डेडली ड्रोन कितना खतरनाक है ये बताएं, उससे पहले जानिए, ये मेड इन इजराइल है और इसका नाम हारोप कॉमिकेज ड्रोन है। अजरबैजान अपने सैन्य जरूरतों का 60% सामान इजराइल से खरीदता है और इजराइल की करीब आधी तेल आपूर्ति अजरबैजान से होती है। लंबे समय से दोनों के रिश्ते प्रगाढ़ हैं और ये मुस्लिम जगत में बहुत खास बात है। मुस्लिम देशों और दुनिया के इकलौते यहूदी देश इसराइल के बीच अदावत का पुराना इतिहास है। बावजूद इसके अजरबैजान अलग है। सोवियत संघ के विखंडन के दौरान मची उथल पुथल के दौरान भी इसराइल हमेशा अजरबैजान के पक्ष में रहा। यह रिश्ता आज तक कायम है। आइए अब आपको इसराइली हारोप केमिकेज ड्रोन्स के बारे में बताते हैं, जिसे कई नामों से जाना जाता है। इसे हीरो 120 या किलर ड्रोन भी कहते हैं। इसे इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के MBT डिवीजन ने विकसित किया है। ये ड्रोन खुद एक मिसाइल है और इसमें लगा एंटी रडार होमिंग सिस्टम दुश्मन के रडार को भी जाम कर सकता है। अगर दुश्मन इस ड्रोन को नहीं मार पाता या इसे अपना लक्ष्य नहीं मिलता तो ये वापस अपने बेस पर आ जाता है, लेकिन अगर इसे अपना लक्ष्य दिख गया तो ये ड्रोन उससे टकरा कर खुद को उड़ा लेता है। आर्मेनिया और अजरबैजान की सेना के बीच नागोर्नो कराबाख में 2016 में ही झड़प शुरू हो चुकी थी। इस झड़प के दौरान भी अजरबैजान ने किलर ड्रोन का इस्तेमाल किया था। किलर ड्रोन एक बार में 6 घंटे की उड़ान भर सकता है। इसे बेस स्टेशन से 1000 किलोमीटर की दूरी तक ऑपरेट किया जा सकता है। इसका समुद्र या जमीन पर टोही गतिविधियों या दुश्मन के खिलाफ मिसाइल के रूप में उपयोग हो सकता है। ये ड्रोन पहले से तय प्रोग्रामिंग के हिसाब से खुद उड़ान भर सकता है या फिर ऑपरेटर भी इसके तय रास्ते को बदल सकता है। इसमें मौजूद इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स के जरिए बेस पर मौजूद ऑपरेटर अपने निशाने को चुन सकता है। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि भारत की स्पेशल फोर्स पहले से ही इस ड्रोन का इस्तेमाल करती है। इस स्पेशल फोर्स में NSG और दूसरी फोर्सेस शामिल हैं। हालांकि सेना के लिए इसकी खरीद को लेकर अभी भी इजराइल से बातचीत जारी है। भारत ने इस ड्रोन को लेकर रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भी जारी कर दिया है। LAC और LOC पर चीन और पाकिस्तान के बढ़ते खतरे के मद्देनजर भारत आने वाले दिनों में इस किलर ड्रोन को इजराइल से खरीदने की तैयारी में है। यह ड्रोन खासतौर पर ड्रैगन आर्मी के लिए घातक है, क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में युद्ध में किलर ड्रोन गेम चेंजर साबित हो सकता है। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।